ये बुझा के ज्यादा सही है। पहले साइड हो जाओ कैमरामैन, कैमरामैन साइड हो जाओ, कैमरामैन साइड हो जाओ, लोगों को मिलने दो। जानो तो साधना तू ये साइड पे रहना दादा, तुमसे कैमरा थोड़ा खड़ी करना दादा, थोड़ा पीछे लो ना तुम। फोन जप्त करा, फोन संभाल, अभी मेरे जीव में हाथ गया था, हाँ फोन संभाल आता मैं लगे माला लगे साइड होते मेरे पैन वापस लो, फोन पर संभालो सब अपना अपना फोन और पर्स। थोड़ा ये आनंद थोड़ा मांगे ना मुझे दे दो ऑन किया है, थैंक यू। एक बार देख लो आनंद तो देखते हैं। मनोज फ्रेम है लाइव, मीडिया से बातचीत करेंगे, कई ऐसा सवाल है खान और पर आगे हो सके। और फ्रेम लाइव है मनोज, हाँ जो है उनसे पूरी बातचीत पूरी होगी, उसके बाद पूरी बातचीत करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। फायर अटक जाएगा और आनंद काम करवाई कराएंगे मैडम, बाहर आ जाओ मैडम, अरे नहीं बाहर आ जाओ मैडम, बाहर बाहर पीछे पीछे भाई आगे बताओ।
फोन कर रहा हूँ फोन तो अरे केशव का टाकले तो ऐसा नहीं आता किशन तो तुझे मारे यार तो टाकले तो हाँ सतीश को लेना हाँ तुम्हारे साथ ये पीछे से हमारी आ जाएगी तुम अगर आगे गए ना मेरे लिए पक्का जगह बन जाएगी ऑडियो स्टार्ट किया है आपने हाँ हाँ एम्बियंस दिया है मुझे बोलो हाँ हाँ एक सेकंड दिया बोला है अब आ रही है एक सेकंड चेक करिए हेलो ओके हेलो हाँ चेक हाँ चेक भैया तुम क्लोज रखे हो ना भैया मैंने वाइट दिया तुम क्लोज रखो तू कैम चल अतुल हाँ भाई नहीं नहीं अभी तो जस्ट वो नीचे उतरा है अभी हम लोगों की बाइट होने वाली है करके मैं फोन करती हूँ अभी तक नहीं हुई है किसी की नहीं हुई है हाँ दादा सिक्योरिटी दादा थोड़ा सही करें हालांकि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट बोला कि बोल रही क्यों शिवानी बोल रही क्या नहीं बोल नहीं रहे हो ना शिवानी तुम बोल नहीं रहे हो नहीं बोल आपकी मदर हो आप हो कोई क्या पिक्चर नहीं है तो अभी तो पापा के इलाज करा है ना लिवर ट्रांसप्लांट मूवी लिख के क्या करेंगे जो सवाल चाह रहे थे फन के उसके बाद सरस्वती ने कहा कि फन के फाउंडेशन के जरिए जितने भी बच्चे रहेंगे वो जरूरतमंद के लिए वो काम कर रहे थे कहीं ना कहीं पिछले चार दिनों से हमारी पुजारी की जो रेट मतलब किए जा रहे थे इसी रेट के बाद अब फिर से अपना कार्य जो है करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे जो है वो छह दिनों से यहाँ पर लोगों से जो लोग जरूरतमंद लोग जो हमेशा से घर से बाहर आते हैं और उनके मदद के लिए जो है एक मेला लाते हैं लिखित
कार्य को लेकर जो देख रहे थे कि तुमने चार दिनों के समय अपने जो जरूरतमंद लोगों को किसान को उनसे नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब फिर से जैसे ही आई जी का जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो चुके, हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी आई जी की ओर से जारी है, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ आई जी का एक जो करोड़ों को लेकर जो टैक्स दाम लगाए उनके ओर से 24 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था, यहीं पर 2021 तक का उस चैरिटी फाउंडेशन में 19 करोड़ जो है वो जमा किए गए थे, यानी डोनेशन जो है उस फाउंडेशन को मिला था, लेकिन जो है वो अब जरूरतमंद लोगों के लिए लगातार कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करके उसकी भी बात सामने आई थी, ये सभी चीज़ों को देखने को मिली, इसको जो फंड जमा किए गए थे उस फंड में से करीबन 2.1 करोड़ जो है डोनर की ओर से मिले थे, जो कि एफसीआरए के तहत नंबर दिया गया था, लेकिन अब विचार करना होगा कि इस पर अब डोनर के जो भी सवाल बिल्कुल बहुत सारे सवाल सामने आ जाएंगे, तो सीरियस एलिगेशन जो उसके ऊपर आई जी विभाग के ओर से मिले थे। मोबाइल की दुकान है आजमगढ़ में, तो बढ़िया फिर क्या दिक्कत है, मेरे लिए क्या चीज़ें करेगा ये, तो मैंने तो यही है मेरा काम, तो बच्चे तो मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही है, टेंशन मत ले, देख इतने लोग हैं ना, समझा नहीं क्या करेंगे, क्या बच्चे मैं पूरा सुन, जहाँ पे आजमगढ़ में तेरी मोबाइल की दुकान है वहीं पे कर, मोबाइल से दुकान कर, मैं साथ ही हूँ, अच्छा नहीं लगता मेरे बारे में सोच के क्या करेगा, मेरा सुरक्षित हो एकदम बढ़िया हूँ, बढ़िया हूँ सुरक्षित हो, मेरे सब एक खड़े अपने दोस्त जिनसे पूछो सुरक्षित हो नहीं सुरक्षित, देखो भैया ये कहता मेरे साथ रहना बड़ा दुकान में छोड़ के, सुरक्षित हो ना मैं बढ़िया दे लो बढ़िया, अरे कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा है सब, देख मैं खड़ा हूँ ना तुम लोगों के साथ, अरे कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, मैं इधर ही बढ़िया हूँ, तो देख तो दिया अभी बैठा तो बढ़िया, कुछ नहीं हुआ नहीं बैठे तो रुक जा सब जाने सब सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, काम से तू काम कर रहा है, मैं मिला ना तेरे से आज, तू जो जो भी काम कर रहा है, कितने घर में कौन कौन है तेरे घर में, परिवार थोड़े छोड़ेगा तू, हाँ करने के लिए कंप्यूटर चलाना होता तेरे को, मैं तेरे को विजन में तेरा वैसे ही कराऊंगा बेटा काम,
विशाल एक्सचेंज, ये विशाल भैया है, ये समायरा मैम है, ये भी आपको इसके बाद नंबर देंगे, आपका नंबर देंगे। तो आजमगढ़ में रहें, परिवार के साथ रहें, अपना जो जॉब कर रहा है वो भी करते रहें, और वहाँ पे किसी को तकलीफ होगी हम लोग वो भी इधर से बात करते रहें, ठीक है। ठीक है, नाम क्या तेरा? अरे बंसी बाबू, नाम ही सारा जबरदस्त है, और क्या चीज़ है बंसी बाबू, मजा आ गया क्या? बंसी बाबू का भैया, फोटो निकालनी, अच्छा आ जाएगा, ले ले फोटो ले लो बच्चों, चलो बेटा बाद में, बाद में। अरे मैं मेरे मैं हाथ, अरे बच्चे तू रुक जा, रुक जा रुक जा रुक जा, अरे धक्का मत मारो, दादा दादा आप लोग थोड़ा पीछे रहो, आगे बच्चा, आप लोग थोड़ा पीछे रहो। आईएनए की ओर से एक सीरियस एलिगेशंस लगाए गए हैं, जहां खास तौर पर करोड़ों के टैक्स चोरी को लेकर ये एलिगेशंस आपके ऊपर लगाया, आप बताइए। देखो मैं आप सबसे वही रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब फैमिली वाले हैं, जितनी चीज़ें हैं सब प्रोसेस में हैं, सबके सामने हैं, वी हैव गिवन ऑल द डिटेल्स टू एवरीवन, और मैं पर्सनली आप लोगों से बात करूंगा इसके लिए, बट आई थिंक मैं जिसलिए नीचे आ जाया हूँ, दीज फॉर दीज पीपल जो चार पांच दिन से बाहर खड़े हुए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ये मुद्दा ज़रूरी है, बाकी तो वो लोग अपना काम करेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे ना। सर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये जो रेड्स हुए, देयर इज नो, देयर इज बाय, देयर इज नो जो एलिगेशंस है, जैसे कि केजरीवाल जी का ये आरोप था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा है कि सिर्फ आपने केजरीवाल जी की जो सरकार है उनको सपोर्ट किया है, उनके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दिल्ली के, इस वजह से आपको बीजेपी टारगेट कर रही है। नहीं नहीं, मैं सबके लिए ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आप मुझे राजस्थान में बुलाएंगे तो भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा, गुजरात बुलाएंगे तो भी बन जाऊंगा, पंजाब बुलाएंगे तो भी, मेरा कोई कलर नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स, मैं बहुत साल पहले से भी लगा हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, अभी भी लगा हूँ, हम सिर्फ दिल्ली में नहीं बच्चों को पढ़ाते, हम देश भर में बच्चों को पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी बुलाएंगे, कोई भी सरकार मुझे बुलाएगी हेल्प करने के लिए बच्चों के, सो आई एम देयर फॉर देम, और मैं आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पहुँचूंगा। ट्वीट के जरिए आपने जो संदेश जो है इनकम टैक्स की आपकी तरफ लोग आए और कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिल्ली के ब्रांड एम्बेसडर बने। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आई डोंट बिलीव, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, उससे बड़े मुद्दे आपने देखा ही है, यहाँ पे इतने लोग खड़े हुए हैं, आई थिंक वो एड्रेस करना जरूरी है। ये तो ठीक है, ये तो समय है, चलता रहेगा, ये भी बीत जाएगा, दूसरा समय आएगा, बट आई थिंक दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सर जो ट्वीट आपने किया है ट्वीट के जरिए आपने मतलब चैरिटी फाउंडेशन के 19 करोड़ की बात की, जो जुलाई से लेकर 2020 तक अप्रैल तक जो 19 करोड़ पे जमा किया उसमें सिर्फ लोगों की सहायता के लिए सिर्फ 2 करोड़ के, जो सबसे बड़ा सवाल आज यही उठ रहा है कि 17। मैं एक छोटा सा बताता हूँ, देखो मैं आई वॉज नॉट सपोज टू स्पीक, पर मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, हर फाउंडेशन के अंदर, खासकर मेरी फाउंडेशन के अंदर मैक्सिमम जो फंड्स आते हैं वो मेरे खुद के, जो मैं एंडोर्समेंट के फीसेस बोलता हूँ ब्रांड्स को देने के लिए, वो रहते हैं, और दूसरी कोई भी फाउंडेशन को समय लगता है खर्च करने में, ओवरनाइट नहीं होता, और एज़ पर रूल्स ऑल्सो जो 1-2 साल जितने समय लगते हैं उतने हमारा भी प्रोसेस भी आप देखेंगे और कम हो जाएंगे इसमें, कल देखेंगे और कम हो जाएंगे, जब कोई बंदा मेहनत से 1 रुपया भी देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सही जगह पर जाए, वो उन्होंने कंधे पर हमारी जिम्मेदारी दी है। एक अंधी लड़की 3,000 रुपये अपनी पेंशन मुझे महीने की अगर उसने दी है एक दफ़ा, तो 3,000 मेरे लिए 3 करोड़ के बराबर है, आई हैव टू मेक श्योर कि वो सही जाए। हर फाउंडेशन में टाइम के हिसाब से खर्च होता है, जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं, ऐसा नहीं होता कि आज आया कल ख़त्म हो गया, अभी उसमें सिर्फ 4 महीने हुए हैं, 1.5 साल 2 साल लगते हैं खर्च होने में। मेरी इच्छा हॉस्पिटल बनाने की है, कि सोनू सूद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ऐसे ही चलता रहना चाहिए, दैट्स द आइडिया, दैट्स अ विजन आई हैव। ये नहीं है कि यहाँ पे 10 लोग आ गए, जितने मेरे पास ऐसे हॉस्पिटल होने चाहिए ये लोग आए, पहुँच जाओ वहाँ पे, और आप देखेंगे जब नेक्स्ट टाइम मुझे गए वही हो रहा होगा। सो द आइडिया इज़ टू मेक इट बिगर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और वही मेरी कोशिश है, एंड आई थिंक यू विल सपोर्ट मी इन दिस, और हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। नॉट इवन ए सिंगल पेनी 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में नहीं आया,
कोई ले भी नहीं सकता। अगर आप किसी और की हेल्प करते हैं तो आप आपके पास नहीं आ सकता। उन उन जितने प्लेटफॉर्म से रहते हैं वहाँ से सीधा गरीबों के पास ही जाता है। एक नहीं 1500 से 2000 प्लेटफॉर्म से ऐसे मिला इम्पैक्ट गुरु। हर जो हमारा रेज हुआ है फंड वो हिंदुस्तान भी नहीं आया, वो भी अमेरिका में। अगर हम किसी को मेल लिखते हैं कि भैया इसका ऑपरेशन कराओ तो वहाँ से डायरेक्टली जाता है हमारे अकाउंट में, हमारी फाउंडेशन के अकाउंट में, हमारी किसी प्रधान में। ना तो हम ले सकते हैं और ना कोई भी ले सकता है। सो इट्स ऑल ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैव बीन गिवन और ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू सो मच यार, एंड आई विल मीट यू ऑल पर्सनली यार, गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। कैमरा पिछले कोशिश में लगा फर्क नहीं पड़ता हूँ ना, हूँ 40 साल 50 साल हर चीज उन्हें प्रोवाइड करूँ स्टूडेंट अभी मैंने भी आज बात करनी है।